आत्मीयता के विस्तार का नाम गायत्री परिवार, गुरुदेव का अपने अंग अवयव से पत्र स्नेह। मित्रों, गुरुदेव से जुड़ने वाले प्रत्येक परिजन का अपना अपना एक अनुभव रहा है। ऐसा ही एक आत्मीयता से भरा हुआ अनुभव एक गायत्री परिजन का है। एक परिजन देर रात को तपोभूमि पहुंचे। पारिवारिक समस्या होने के कारण सीधा देर रात को ही गुरुदेव से मिलने अपने समाधान हेतु घिया मंडी वाले घर पर पहुंच गए। गुरुदेव से मिले, अपनी बात कही और गुरुवर ने उन्हें आश्वासन दिया और वह परिजन गुरुदेव को प्रणाम करके उठकर जाने लगे कि माताजी ने कहा, कहाँ जा रहा है, खाना खाकर जाना। वह बोले, नहीं माताजी, मैं बाहर खा लूँगा। इतने में गुरुदेव ने कहा, बेटा खाना अपनों की यहाँ खाया जाता है, बाहर नहीं। देर रात्रि माताजी ने स्वयं जागकर खाना बनाया और उस परिजन को अपने घर जैसा अनुभव कराया और अपनी ममता से तृप्त कर दिया। यह है अपना गायत्री परिवार। प्रस्तुत है आज का यह पत्र गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह। दिनांक 9 मई 1962। हमारे आत्मस्वरूप, आपका पत्र मिला। 300 रुपये का ड्राफ्ट तथा 3 ड्राफ्ट का रुपया आपके खाते में जमा करा दिया है। हिसाब की जो जानकारी आपके पास हो उसकी प्रतिलिपि हमें भेज दें, उसी हिसाब से इनके कागज ठीक करा देंगे। इनका हिसाब अक्सर गंदा रहता है और ऐसी ही शिकायतें आती रहती हैं। चिरंजीवी चिंतामणि गणेश दातार को पत्रिका इंदौर भेजी जाए या डबरा, इसका स्पष्ट उल्लेख आपके पत्र में नहीं है। वापसी डाक से उनका पूरा पता भेज दें ताकि अंक भेज दिए जावे। जनवरी अंक अब ना भेजें, जितने अंकों की जरूरत थी हमें बिलासपुर से प्राप्त हो गए हैं। माताजी आप सबको स्नेह लिखाती हैं, श्री राम शर्मा। दोस्तों, गुरुदेव एवं माताजी ने अपने प्रेम व अपनत्व से विराट गायत्री परिवार खड़ा किया है। उनके जितनी आत्मीयता ला पाना तो संभव नहीं, पर उनके जितना अंश मात्र भी प्रेम आत्मीयता हम स्वजनों को दे पाए और आत्मीयता का विस्तार कर पाए तो गुरुदेव एवं गायत्री परिवार से जुड़ पाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।